हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टर्टल है उसकी क्लोनिंग हम कैसे कर सकते हैं और उस क्लोनिंग करने के बाद हम कैसे ब्यूटीफुल जो शेप्स है वो बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टर्टल जो अपना जो फाइल थी ओपन कर लेते हैं। टर्टल जो फाइल को ओपन किया हमने और इस फाइल पे हम काम कर रहे थे, इसको हमने ओपन कर लिया है। और अब यहाँ पे जो कलर है उसको मैं यहाँ इतना इसको हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे क्लोनिंग जब हम करते हैं तो इसको करते हैं सी से। सी इज इक्वल टू टी डॉट क्लोन, और यहाँ पे हम इसको सी का मतलब हो गया टर्टल का क्लोनिंग करना है। और अब आपको क्या करना है, जो मेन टर्टल होगा उसको कलर क्या देना है हमें, टी डॉट कलर। और इसको मैं देना चाहता हूँ ब्लैक कलर, रेड कलर दे देते हैं। इसको देते हैं हम रेड कलर, मतलब जो हमारा मेन सर्कल बनेगा वो रेड कलर का बनेगा, और क्लोनिंग से जो सर्कल बनेगा उसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर। तो सी डॉट COLOR कलर, तो क्लोनिंग जो सर्कल टर्टल है उसका कलर हम दे देते हैं ग्रीन। ये हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि जो मेन सर्कल है वो अंदर की तरफ बने और उसके बाद जो क्लोन्ड सर्कल है वो बाहर की तरफ बने। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेन सर्कल है उसकी रेडियस बता देनी है। मेन सर्कल हम टी डॉट सर्कल से कर रहे हैं, तो टी डॉट सर्कल हो गया। इसको मैं कर देता हूं 120, सॉरी 90 कर देते, इसको अंदर रखते हैं। और जो क्लोन सर्कल है उसको मुझे बाहर रखना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा टी सी डॉट सर्कल। सी मतलब क्लोन सर्कल जो आ रहा है उसकी क्या रखता हूँ, रेडियस 120 पिक्सल्स रख देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो आइए इसको रन करते हैं। रन मॉड्यूल में गए, हमने रन किया और ये देखिए हमारा सर्कल बन गया और ग्रीन सर्कल इसके बाहर बन चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्लोनिंग जो सर्कल है वो हमने यहाँ पे बनाना सीखा।